Hello my YouTube family, we are back with another two game comparison video. तो आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं IGI1 वर्सेस IGI2. इनको तो हम वीडियो में कंपेयर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा तो यही मानना है कि IGI1 हमारे दिमाग में इमोशनली घुस चुका है, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा इमोशन उनके साथ जुड़े हैं. अब भले ही लोगों ने बेड रिव्यूज़ दिए हो, यहाँ पर कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गेम, और हमारे बहुत सारी यादें भी इस गेम से जुड़ी है. IGI जो कि 2000 में ही रिलीज़ हुआ, लेकिन उस पर बहुत पहले से ही काम चल रहा था. इनर लूप ने उसे बनाया, लेकिन आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उस टाइम पे IGI को इतनी ज़्यादा हेट रिव्यूज मिली थी, और यहाँ था कि कंपनी लॉसेस में चली गई. वो अलग बात थी कि गेम्स 2007 में थोड़ी बहुत कापीज बिक गई, और इसीलिए इनर लूप कंपनी ने गिने चुने गेम्स ही दिए IGI 1, IGI 2, IGI ओरिजिन्स जो अभी इन्होंने लॉन्च करने का कहा था, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया. रीज़न तो आपको पता ही है कि वो लोग कोई रिस्क, और दूसरा रीज़न जो कि IGI पूरी कंपनी को लॉसेस ले गया, और IGI पेड नहीं है, IGI आपको कहीं से भी मिल जाएगा. तो ये दूसरा रीज़न, तीन चार और भी रीज़न्स थी, और तीसरा मेन रीज़न ये था कि IGI का पहला जो नाम था उसमें इन लोगों ने इतना लेंथी नाम रख दिया IGI, और ये बात की बात थी जो कि 4 महीने के बाद IGI 1 रखा. और अब वीडियो के दूसरे टॉपिक पर आते हैं. इनर लूप कंपनी ने 2003 में IGI 2 को लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी उतने ही बेड रिव्यूज मिले, और IGI 2 के लॉन्च करने के बाद ही 2005 में कंपनी लॉसेस में चली गई, और अब तक वही भुगत रही है, और इसीलिए हमें देखने को IGI ओरिजिन अभी तक नहीं मिला. तो अभी चलिए इन दोनों गेम्स को कंपेयर करते हैं. Yosef is held at a military airfield. The whole area has excellent air defenses. We have to... I finally got there. At last! You took your time! First you...
right.